स्वार्थी जो संत हैं ये अभिलाष दास जी से, तो इसके भगत बताते हैं कि इन्होंने बड़ी पुस्तक लिखी हुई है, वेद क्या कहते हैं, एक बहुत बढ़िया पुस्तक है इनकी। वो दास ने पढ़ी इसकी पुस्तक, वेद क्या कहते हैं, और ये क्या कहता है कि मैंने वेदों को पढ़ा है, आज भी पढ़ता रहता हूं। और इससे पूछा कि वेदों में परमात्मा निराकार बताया है, बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं उसमें। फिर इससे किसी ने प्रश्न किया कि आप तो कहते हो कि परमात्मा कुछ लाभ हानि नहीं कर सकता, यानी किसी के इससे कि पूछा पूछते हैं जैसे इसका विधान है, ये भी खुद बताता है इसकी पुस्तक में लिखा है कि प्रारब्ध के कर्म यानी किस्मत में लिखे हुए दुख सुख जीव को भोगने ही पड़ेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। हरियुनों का मन वेद भी पढ़े हैं, इन खाक वेद पढ़े, अब दिखाता हूँ वेदों में क्या कहा है। वेदों में तो ये लिखा है परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है, ये देखिएगा यजुर्वेद, और ये महर्षि दान सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है, प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलला मैदान नई दिल्ली की दिल्ली से, और ये यहाँ से छपा है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर 1510 पटौदिया त्रियागंज नई दिल्ली से। 8वें अध्याय का और 13वां श्लोक दिखाते हैं आपको, 8वें अध्याय का 13वां अष्टादशो इसका 13वां श्लोक, इसमें क्या लिखा है कि देव कर्तस्य एनस्य एवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य एवजनमसि, पितृ कर्तस्य एनस्य एवजनमसि, आत्म कर्तस्य एनस्य एवजनमसि, एनस्य एवजनमसि। अब ये 241 पाव ने इसकी संस्कृत पढ़ी है, अब 242 पे इसका अनुवाद है। ये इसमें क्या लिखा है कि हे सब के उपकार करने वाले मित्र, आप दान देने वाले के अपराध के विनाश करने वाले हैं। अब पुण्यात्माओं ये तो सारे के सारे जितने संत मंत्र आचार्य शंकराचार्य ये महर्षि ये संत अभिलाष दास जैसे तो ऐसा काम कर दिया इन मेरे साथ में। एक व्यक्ति था वो किसान था और अकाल गिर गया, उसने सोचा भी खेती में तो काम गुजारा चला नहीं तो कोई और धंधा कर ले। उसने क्या शुरू कर दिया, ये चाकी रण का काम ले लिया, उसने 2 वसोली खरीद ली वो कटकट करने की और चाकी रण का काम उसने शुरू कर दिया। अब पहले चाकी कैसे आ करते, हाथ से चलाने वाली जो चक्की पत्थर की होती हैं उसके पार्ट होया करते, दो होते हैं अभी भी गाँव में तो बहुत हैं, और वो घिस जाते थे चलते चलते, तो उनको ऐसे समझदार सा व्यक्ति उनको चांड दिया करता, चाटे मार देता, वो फिर से वर्किंग ठीक हो जाती उनकी, तो उसको चाकी राणा कहा करते हैं कहते हैं। अब उसने कदे कभी काम किया नहीं था, पहले दिन मुहूर्त करी एक गाँव में जाके उसने आवाज़ लगाई कि चाकी ठीक करवा लो, एक बुढ़िया बोली भाई आ जा चाकी ठीक कर दे मेरी। अब ठीक है ताई बता कौन सी है, भैया देख ले। उसने उतार कर पाट रख लिया, बुढ़िया कहने लगी भाई मैं कुएं तो पानी ले आऊँ जल, कुएं से दूर दूर कुएं आ करते गांव में, और आप इतने या चाकी ठीक कर दो का अच्छा ताई जा बेच सकते हैं। अब उसने सोच कदे काम करा नहीं था, ने सोची जल्दी जल्दी कर ले, तो पहले आवाज़ में और एक काम मिल गया तो यहाँ कोई आया ही नहीं है इतनी, तो उसने माड़ी स्पीड भी पकड़ ली, वो 2-4 मारे गद्दा गद वो पार्ट टूट गया। उसने सोची भैया तो बात बिगड़ गई, बुढ़िया चवनी दे नहीं, अर तू भाग ले अपने सारे औजार उठा के, और जो नीचे वो बैठा था ऊपर एक
पात्र था मिट्टी का, मटका छोटा सा, उसमें घी डाल रखा था बुढ़िया ने गर्म करके, गर्मियों का दिन था, और ऊपर बांध दिया करते बिल्ली कुत्ते से के डर से, ऊपर कड़े में रस्सी डाल के एक छिक्का बना दिया करते, उसमें वो दर रखा उसने बरोला मिट्टी का मटके में घी बहुत बढ़िया 5-10 किलो। अब वो जल्दी में उठ के भाजन लग गया, ऊपर तो छिक्के टंगा हुआ था वो पात्र, उसका लग गया सर, वो पड़ गया, पड़ते हो सारा फैल गया, फूट गया और सारी साल में बिखर गया फरस पर। उन्हें सोची तन्नाड़ा पकड़ के बांधेंगे हैं और तू भाग ले स्पीड ते, यो एक नुकसान और हो गया तेरे ते। तो उसने सोचा तो जल्दी निकल, उधर से बुढ़िया आ गई पानी का मटका लेकर, कच्चा मटके होते थे ना गड़े, और वो स्पीड में पीछा न देखे आगे न बाजे, तो बुढ़िया में टक्कर लगी, वो मटका फूट गया। अब वो बुढ़िया कहन लगी, रे उसका नाम पूछा था, रे क्या नाम है तेरा? बोला रमलू। बोला रे रमलू तने रो लू, तने यू कह कर मेरा मटका फुटवा दिया। नो बोला ताई भीतर देखे जाइए, रोए जाइए। नो बोला ताई भीतर देखे जाइए, रोए जाइए, कितकी तरोगी? तो इन्हें कितकी तर हो, एक नहीं सारे की, अब इसने नया चाकी रखी है, ऐसा नाश कर रखा है।